भारतीय रेल ने आज लखनऊ से गुरु कृपा यात्रा की शुरुआत की है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अभी अभी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहां से लखनऊ के स्टेशन से रवाना किया है। ये यात्रा सिख समुदाय के लिए विशेष तौर पर शुरुआत की गई है इस यात्रा की, और सबसे खास बात यह है कि सिख समुदाय के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर ये ट्रेन जाएगी सभी जगह से, और जितने भी लोग इसमें सफ़र करेंगे जो श्रद्धालु हैं उनको सिख समुदाय के धार्मिक स्थलों में दर्शन करने का मौका मिलेगा। ठहरने की भी व्यवस्था की गई है ट्रेन में, खाने पीने का भी सारा इंतज़ाम है। आज ये ट्रेन शुरू होकर पहले दिन चली है और कल यानी दूसरे दिन आनंदपुर साहिब पहुँचेगी, इसके बाद तीसरे दिन श्री कीरतपुर साहिब और श्री फतेहगढ़ साहिब पहुंचेगी, इसके बाद चौथे दिन ट्रेन भटिंडा में होगी, पांचवें दिन अमृतसर में होगी, छठा दिन पूरा यात्रा करके फिर महाराष्ट्र ट्रेन पहुंचेगी नांदेड़ में, जहां पर हुजूर साहिब नांदेड़ में दर्शन कराए जाएंगे। इसके बाद आठवें दिन गुरु नानक जहरा साहिब बाइडर में दर्शन कराए जाएंगे। नवें दिन ट्रेन फिर यात्रा करेगी और दसवें दिन पटना साहिब पहुँचेगी और ग्यारहवें दिन ये ट्रेन वापस लखनऊ आएगी। इस ट्रेन में लोग जो है अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं। देखिए पूरी ट्रेन अद्भुत तरीके से सजाई गई है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के तहत ही एक श्रेष्ठ एक भारत श्रेष्ठ भारत लिखा हुआ है, गुरु कृपा पर्यटक ट्रेन नाम भी लिखा हुआ है। स्पेशल ट्रेन 11 दिन की यात्रा करेगी लखनऊ से महाराष्ट्र पंजाब अमृतसर और बिहार के तमाम जो सिख धार्मिक स्थल हैं वहां पर दर्शन कराते हुए ये ट्रेन वापस यहीं लखनऊ में आएगी। उसके बाद फिर 11 दिन बाद दोबारा इसकी यात्रा शुरू होगी। ट्रेन में जो यात्री हैं यहां से बैठे हैं उनको आज पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने और जो राज्य मंत्री हैं औलख बलबीर सिंह औलख ने पूरी उनको टीका किया, उनके पूजा आरती की, उसके बाद माल्यार्पण करके उनको यहाँ से रवाना किया है। और ये बलदेव सिंह औलख का कहना है कि ये ट्रेन सिख समुदाय के लिए एक तरह से जो मोदी सरकार है उनकी तरफ से बड़ा तोहफा है, सिख समुदाय के सभी धार्मिक स्थलों का एक तरह से प्रचार प्रसार करना और इसमें सभी धर्म के लोग यहां पर इस ट्रेन में यात्रा करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिख समुदाय के लोग ही होंगे, सभी धर्मों के लोग इस ट्रेन में यात्रा करेंगे और पूरे उनके खास जो ख्याल रखा जाएगा सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है। तो आज ये ट्रेन यहाँ से रवाना हुई है, कल ये ट्रेन पहुँचेगी और कल से जो तीर्थ यात्रा है यानी धार्मिक स्थलों का दर्शन है वो शुरुआत होगी और ये लगातार सिलसिला 11 दिन तक चलेगा। भारत गौरव यात्रा के कड़ी में आज गुरु कृपा रेलवे की गुरुओं के सिख गुरुओं के जितने भी पवित्र स्थल हैं उनके लिए यात्रा का आरम्भ लखनऊ की धरती से हो रहा है और ये यात्रा सीतापुर गोरखपुर रामपुर बरेली आदि डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश में क्रॉस करते हुए पंजाब से होते हुए सारे देश में जो भी सिख तीर्थ स्थल हैं पवित्र स्थल हैं इन उनकी यात्रा कराएगी। सारी सुगमताओं के साथ सुविधाओं के साथ लोकल ठहराव के साथ लोकल ट्रांसपोर्टेशन के साथ सारी व्यवस्थाएँ IRTC के द्वारा की गई हैं जिससे निर्विघ्न होकर के बिना किसी बाधा के आसानी के साथ सुगमता के साथ ये सारे तीर्थों के जो सिख तीर्थ स्थल हैं उनका ये लोग दर्शन करेंगे। और खास बात यह है कि इस ट्रेन के द्वारा सिख धर्म के अनुयायी तो हैं ही हैं, उसके अलावा अन्य धर्म को मानने वाले भी लोग जो सिख गुरुओं को सिख दर्शनार्थ जो भी स्थल हैं दर्शनीय स्थल हैं उनमें वो भी दर्शन करने का काम करेंगे। इससे न सिर्फ सामाजिक ताना बाना भाईचारा राष्ट्रीय एकता अखंडता को नया शुरू मिलेगा बल्कि इस तरह की यात्राओं से देश की जो कल्चरल एक्सचेंज है जो एक एक दूसरे के साथ पारंपरिक साझेदारी है सामाजिक ताना बाना है उससे भी बल मिलता है, इससे राष्ट्रीय एकता अखंडता को ताकत मिलती है नया शुरू मिलता है। और ऐसी यात्रा लगातार विभिन्न यात्राएँ भारत गौरव यात्रा के अंतर्गत उसी कड़ी में कराई जा रही हैं देश में, इसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे आदरणीय मोदी जी को जिनके प्रयास से जिनके दीर्घ सोच के परिप्रेक्ष्य में यात्राएं शुरू हुई हैं जिससे देश की एकता अखंडता को सामाजिक समरसता को सामाजिक ताना माना को सांस्कृतिक धरोहरों के दर्शन को सांस्कृतिक रूप से हमारी जो विरासत है उनको खोज करके निकालने में समाज के बीच पहुंचाने में महती भूमिका निभा रहा है। देखिए पंजाब में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग पंजाब में जाएंगे, वहाँ की संस्कृति को जानेंगे, हम अपनी संस्कृति को पंजाब के लोगों को बताएंगे,
जहाँ भी रुकेंगे, जहाँ भी डेस्टिनेशन में जाएंगे, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की बोली, वहाँ का पहनावा, वहाँ का उड़ावा, वहाँ का रहन सहन और नृत्य की क्या उनके जीने का ढंग है वो समझेंगे और हम अपना बताएंगे। ये होता है कल्चरल एक्सचेंज। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इस गुरुओं के इतिहास में, सिखों के इतिहास में पांच तख्त, जो कि पांच तख्तों का एक बहुत महत्वपूर्ण उनका एक उपदेश है, तो इसलिए आज ये गौरव यात्रा पांचों तख्तों की यात्रा कराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। ये यहाँ से चलकर सीतापुर से बरेली, शाहजहानपुर, रामपुर और पंजाब में जो हमारे तख्त हैं, उसके बाद पटना साहब है, नदेड़ साहब है, ये सारे जो एक नानक जीरा है कर्नाटका में, वो सारे तख्तों की यात्रा कराएगी। तख्तों के साथ साथ दूसरे भी जो वहाँ पर धरोहर होंगी उनको भी शामिल करेगी दर्शन। ये जो अभी जो है ये जो फेरा है 10 दिन 11 रात का है, तो उसके बाद जो जितना इसका फिर आगे का भी है, तो अभी जो बेस्ट ऑफ द सक्सेस क्या है इसका ये होता है, उसके बाद और आगे प्लान किया जाएगा। बट अभी जो है आज जो है ये 10 रात 11 दिन का ये फेरा है। हाँ जी, अभी तो यहाँ से पूरा नहीं भर के गया है, रास्ते में और यात्री भरे होंगे जो जाएंगे। पार्ल कितना राज्यों का टूर है? ये करीब करीब 22, देखिए इसमें ये जो करीब करीब जो है लखनऊ है, आनंदपुर पंजाब है जाएंगे, ये जो है करतारपुर साहब हैं, फतेहपुर साहब हैं, दमदमा साहब हैं, बठिंडा में जो है अकाल तख्त हो गया, अमृतसर में हैं, हजूरी साहब हैं नांदेड़ में हैं, गुरु नानक साहब जो हैं बिदार में हैं, और हनुमंदिर साहब पटना में है। तो इतने पंजाब, महाराष्ट्र, पटना, बिहार, हाँ जो भी सिख के जो है ना पांचों इम्पोर्टेंट तख्त सब जगह जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।